नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ जो अशुद्धियों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब देखने को मिल जाएंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और सबसे पहले हम देखेंगे जो संज्ञा संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो वाक्य अशुद्धि होती है वो हम देख लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षाओं में और ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा हो जाता है और साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे कौन सा जो है इनमें से किस वजह से गलत है। तो सबसे पहले जो दिया गया है आपको, तो ये दिया गया है अशुद्ध वाक्य हो जाता है कौन सा, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। महात्मा गांधी के संदेशों से देश जो है सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये गलत है। क्यों गलत है, ये अशुद्ध वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अशुद्ध क्यों हो जाता है, तो अशुद्ध इसलिए हो जाता है क्योंकि ये संदेशों, ये आपका गलत वर्ड यहाँ पर लिखा गया है, बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य इसका क्या बनेगा, तो शुद्ध बन जाएगा महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। ठीक है, तो संदेशों की जगह यहाँ पर क्या दिखाया गया, तो संदेश दिखाया गया। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, किस किस तरह की अशुद्धियाँ आपको देखने को मिलती है। ये सभी जो है संज्ञा संबंधी अशुद्धि हैं जो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया गया है, फिर से एक अशुद्ध शब्द दिखाया गया है, मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा। तो रविवार का जो दिन होता है, जो रविवार है, ये रविवार का दिन ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत इसी वजह से हो जाता है क्योंकि रविवार जो है वो अपने आप में एक दिन ही होता है, रविवार के दिन कहने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो आपसे गलत यहाँ पर क्या दिखाया, तो के दिन जो है एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। शुद्ध वाक्य इसका क्या बन जाता है, मैं तुमसे रविवार को मिलूँगा। ठीक है, रविवार का दिन तो ऑटोमेटिक वो दिन ही है अपने आप में रविवार। ठीक है, उसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया है, यह शुद्ध वाक्य है, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है। तो विंध्याचल जो है ये अपने आप में पर्वत ही माना जाएगा, तो पर्वत लिखने की फिर ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा इस वजह से। अब जो इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, तो शुद्ध बन जाता है, अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। ठीक है, केवल इसी तरह की थोड़ी सी आपको अपनी जो अप्रोच लगानी है और उसी तरह से आप इसको आंसर को करेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर से एक आ जाता है शुद्ध वाक्य, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। तो 20 तारीख के दिन, 20 तारीख जो है ये अपने आप में दिन ही तो होगा एक। ठीक है, तो इसमें दिन लिखने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर गलत दिखाया गया है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य बन जाता है वो बनेगा, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। ठीक है, 20 तारीख के दिन, तारीख का जो दिन, तारीख जो है वो अपने आप में एक दिन ही तो होगी। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पर गलत हो जाता है। एक फिर से जो है एक आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है यहाँ पर, भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। भारत जो है गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। ठीक है, तो गुलामी की जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, भारत जो है गुलामी या फिर दास्ता से मुक्त हुआ। तो गुलामी की दास्ता जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको समझ लेनी है और इसी तरह से जो है आप इनको फिर करेक्ट का आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुद्ध शब्द क्या बना है, तो भारत गुलामी से मुक्त हुआ है और इसी तरह से सही लिखा भी जाता है, आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। अशुद्ध वाक्य फिर से आ गया है, प्रातःकाल के समय। तो प्रातःकाल जो अपने आप में एक समय ही होता है, तो प्रातःकाल के समय जो है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रातःकाल घूमना चाहिए, तो अपने आप में आ जाएगा कि प्रातःकाल घूमना चाहिए। ठीक है, ये शुद्ध बन जाएगा यहाँ पर। अशुद्ध वाक्य एक और दिया गया है, तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। गीता की पुस्तक, तो गीता जो है वो अपने आप में एक पुस्तक ही है। ठीक है, इस तरह से सबसे ज़्यादा आपको दिए जाते हैं आपकी परीक्षा में पूछने के लिए। तो गीता जो अपने आप में पुस्तक ही है, तो इस तरह से ये शुद्ध क्या बनेगा, तो तुम जो है गीता पढ़ो। ठीक है, तो गीता पुस्तक ही तो है, गीता कुछ और थोड़ी है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप देख कर ही जो है यहाँ पर उनका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर फिर से अशुद्ध है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। ठीक है, तो तलवार की नोक थोड़ी ही होती है, तलवार की नोक तो ऐसी हो गई, ये तलवार है तो यहाँ पर नोक हो गई, तो इस नोक पर कोई चलेगा थोड़ी, चलेगा तो तलवार की धार पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, यानी तलवार की धार पर चलेगा कोई भी। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर से अशुद्ध दिया गया है, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया है। ठीक है, तुम्हारे आने से मेरा मन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, मेरा मन नहीं होगा। तो शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, ज़्यादा इसमें डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा।
शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य फिर से दिया गया है, वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। तो वर्षाकालीन दिनों में, तो वर्षाकालीन तो जो वर्षाकालीन है वो अपने आप में दिन ही माने जाएंगे, ठीक है। तो वर्षाकालीन जो वर्षा के दिन होते हैं उनको वर्षाकाली कहा जाता है। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, वर्षाकाल में कीचड़ हो जाता है। जो वर्षाकाल है वो अपने आप में वर्षा के दिनों को ही जो है चिन्हित यहाँ पर करने वाला है, ठीक है। तो वर्षाकाल के दिनों में ये गलत हो जाएगा, वर्षाकालीन दिनों में ये गलत हो जाएगा आपका, वर्षाकाल में कीचड़ हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद दिखाया गया है उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। जो उत्साह नामक शीर्षक है वो निबंध वो अच्छा है, ठीक है। उत्साह नामक शीर्षक जो है वो अच्छा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, तो शुद्ध वाक्य बन जाता है उत्साह जो शीर्षक है वो निबंध अच्छा है, ठीक है। नामक हट जाएगा यहाँ पर, उत्साह शीर्षक वो निबंध अच्छा है। इसके बाद दिया गया है यहाँ पर आपका शुद्ध, कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। जो व्यवस्था है उसका अपने आप में प्रबंध ही किया जाता है, तो प्रबंध लिखने की फिर आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, तो कल से अखबार में छपने की व्यवस्था कर दें, ठीक है। कल से अखबार में छपने की व्यवस्था कर दें, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। ये तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि थी। अब आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर जो सर्वनाम संबंधी, ठीक है। तो सर्वनाम संबंधी भी जो है आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरह से कई टॉपिक हैं जो हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। तो यहाँ आपका अशुद्ध क्या हो जाएगा, तो अशुद्ध हो जाता है मैं तेरे को बता दूंगा। तेरे थोड़ी होता है, मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है। तो तेरे वर्ड जो है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा आपको देखने को, तेरे वर्ड कहीं यूज नहीं होता है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, तो मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। तो ये उसी तरह से फिर से अशुद्ध दिया गया, पिताजी ने मुझे कहा। पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी ने मुझे क्या कहा, तो ये जो है यहाँ पर मुझे, यहाँ पर शब्द गलत दिया गया है, मुझे यहाँ नहीं आएगा इसलिए गलत हो जाता है। शुद्ध क्या बनेगा, तो शुद्ध बन जाएगा पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है। पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनेगा। एक अशुद्ध दिया गया है उसने जल्दी घर जाना था। उसने जल्दी घर जाना थोड़ी होता है, उसको जल्दी घर जाना था, ठीक है। तो ये तो देखकर ही जो है आप यहाँ पर इनके आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया है यहाँ उसको या फिर उसे, उसे जो है जल्दी घर जाना था, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आपका माना जाएगा। उसी तरह से फिर से लिखा गया है यह लोग कहाँ जा रहे हैं। जब यहाँ आपका जो है बहुवचन इस्तेमाल हो रहा है यह लोग, ठीक है, तो यह नहीं आएगा, फिर आ जाएगा आपका ये लोग। यह जो है ये आपका सिंगुलर हो जाता है और इसका प्लूरल क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है यह का। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य दही में कौन पड़ा है। दही में कौन पड़ता थोड़ी है, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और पढ़ते ही जो है आपको अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ जो है क्यों गलत हो रहा है ये, ठीक है। क्या आप घर पर इसी तरह से बोलते दही में कौन पड़ गया है, तो इस तरह से आप इनको यूज़ करके देखेंगे तो आप इनको बड़े आराम से जो है करेक्ट करके ले जाएंगे, ठीक है। तो दही में क्या पड़ गया है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, दही में क्या पड़ गया है। इसी तरह के कुछ और दिखाए गए हैं यहाँ पर भी जो अशुद्ध आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा। तुम्हारे में से ये गलत हो जाता है, यहाँ पर आप बोलकर इसको देख सकते हैं और बोलकर ही आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तुम्हारे में से आपने कभी नहीं बोला होगा, तुम में से वहाँ कौन जाएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तुम में से वहाँ कौन जाएगा बोलकर आप देख सकते हैं, जब आप अपने ऊपर इसको लेकर देखेंगे तो आप इसको करेक्ट कर ले जाएंगे। अशुद्ध वाक्य फिर से दिया गया, लीजिए प्याला भर दें। लीजिए प्याला भर दें, तो ये आपका गलत हो जाता है यहाँ पर। शुद्ध कैसे बनेगा, तो लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ, ठीक है। लीजिए आपका जो प्याला है वो मैं भर देता हूँ। अशुद्ध वाक्य दिया जाता है यहाँ पर, वह लोग जा रहे हैं। वह लोग जा रहे हैं, तो वह जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, तो वे लोग जा रहे हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, वे जो जा रहे हैं उनकी बात हो रही है, तो ये शुद्ध हो जाएगा, वे लोग जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, उन्हें सब पता लग जाएगा। उन्हें सब पता लग जाएगा, ये उन्हें जो वर्ड है ये गलत हो जाएगा, तो इसका जो शुद्ध बनेगा, उनको सब पता लग जाएगा, यहाँ पर आपका इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, कुछ और हमारे इम्पोर्टेंट जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुद्ध वाक्य की हम बात कर रहे हैं तो अशुद्ध यहाँ पर दिया खाया गया है, किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया, किसानों में रोष था इसलिए वहाँ पर घेराव किया। तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बन जाएगा, किसानों में रोष था वहाँ पर आपका एक जो कोमा होता है वो लग जाएगा, इसलिए उन्होंने घेराव किया। ठीक है, इसलिए उन्होंने घेराव किया, इसलिए घेराव किया तो इसलिए घेराव नहीं आएगा, ये आपका यहाँ पर गलत दिखाया गया है। किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, ठीक है, उनकी बात हो रही है यानी किसानों की बात हो रही है। फिर से अशुद्ध है एक हमारा, वह स्कूटर जिसे मैंने कल खरीदा था वह आज बिक गया। ठीक है, इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा देख लेते हैं। तो वह स्कूटर जिसे मैंने कल खरीदा था वह आज बिक गया, तो इसका जो शुद्ध बनेगा वो बन जाता है, वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था। ठीक है, इस तरह से जो है आप यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। एक और दिखाया गया है, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद विशेषण संबंधी सूत्र देखेंगे। तो यहाँ दिखाया है, कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है। कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आपका गलत दिखाया गया है। क्यों गलत दिखाया गया है? तो यहाँ पर दिखाया गया जो शुद्ध वाक्य है इसमें जो है उसने कमल यहाँ आया और उसने बताया, ठीक है, जो उसने वर्ड है वो ऊपर से गायब है इसलिए जो है आपका इनकरेक्ट हो जाता है। कमल यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, ठीक है, तो उसने बताया नहीं कमल ने बताया। ये सब थी जो आपकी सर्वनाम संबंधी थी। अब हम देख लेते हैं इसमें विशेषण संबंधी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। छोटा सा वीडियो है, आपको देख लेना है और इसी से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। विशेषण संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या क्या हो जाती हैं वो भी देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। तो भक्ति जो युग है वो अपने आप में काल ही जो है दर्शाया जाता है, तो इसमें फिर काल लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो शुद्ध के वाक्य क्या बनेगा, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है, इस तरह से आप ही लिख देंगे। तो भक्ति युग का जो काल है या का जो काल है ये यहाँ पर ये गलत दिखाया गया है। उसी तरह से ये पिछली परीक्षा में पूछा गया था मौर्य काल, भक्ति काल का जो मौर्य काल का पूछा गया था पिछली परीक्षा में, तो मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। ठीक है, ये पिछली बार जो है परीक्षा में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मौर्यकालीन जो समय है वो अपने आप में जो है समय को ही दर्शाएगा, मौर्यकालीन। ठीक है, एक युग की बात करते हैं, एक समय की बात करते हैं तो मौर्यकालीन समय हो जाता है, तो उसमें फिर समय लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, तो ये जो समय यहाँ पर ये हट जाएगा यहाँ से, और आपका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बन जाएगा, मौर्य काल में लोग सुखी थे। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर पहले पूछे भी गए हैं। तो शुद्ध वाक्य दिखाया गया, रेशमा कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। तो रेशमी जो कढ़ाई होती है ये गलत दिया गया है, ये हो जाएगा शुद्ध वाक्य इसका, कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं। ठीक है, पूरा जो है सेंटेंस बदल गया, कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं। एक बार आपको पढ़ के देख लेना है किस तरह से आपका ये बन जाएगा। आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, दीर्घकाय बादल दिखाई दिया है आकाश में, तो क्या ये सही हो जाएगा, उसी से आपको पता लग जाएगा क्या ये आपका सही है। ठीक है, तो आकाश में दीर्घकाय नहीं होता है, वो विशालकाय हो जाता है, विशालकाय यानी काफ़ी बड़ा, आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई दिया है, तो दीर्घकाय नहीं होगा, ये गलत हो जाता है, दीर्घकाय नहीं यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। अशुद्ध फिर से दिया गया है, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, दादाजी की जो बीमारी है वो चिंतनीय है, ये वर्ड यहाँ पर नहीं होगा, चिंतनीय की जगह आपका चिंताजनक जो होगा। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, दादाजी की बीमारी जो है वो चिंताजनक है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका शुद्ध माना जाएगा। इसी तरह से कुछ और देख लेते हैं जो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, वह मुझसे सहभीत है, क्या होता है ये सहभीत नहीं होगा, तो यहाँ पर जो शुद्ध बनेगा वो बन जाएगा आपका, वह मुझसे भयभीत है। ठीक है, भयभीत हो जाएगा मुझसे, ठीक है, यहाँ पर ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद कुछ और जो इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं, अधिकांश लोगों का यही विचार है, तो अधिकांश यहाँ पर गलत दिखाया गया, अधिकांश की जगह अधिकतर वर्ड को यूज़ करेंगे, अधिकतर लोगों का यही विचार है। ठीक है, अधिकतर, अधिकांश जो है ये कहीं ना कहीं अंश की और भाग की बात कर रहा है,
और अंश जो और भाग जो है ये लोगों में आपके इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अधिक अंश की बात करेगा, अधिक भाग की बात करेगा, तो लोगों में जो है भाग नहीं होते हैं, लोग होते हैं अधिकतर, ठीक है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, इस तरह से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा इसका, प्रायः जो है लोग ऐसा सोचते हैं, प्रायः जो है लोग ऐसा सोचते हैं, प्रायः यानी ज़्यादातर के लिए यूज होता है, तो प्रायः जो सभी लोग हैं वो इसी के अंदर आपका आपका इंक्लूड है, तो प्रायः लोग ऐसा ही सोचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अशुद्ध दिया गया, खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, तो यहाँ पर जो आपका शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध क्या हो जाएगा, तो शुद्ध हो जाता है यहाँ पर खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी हिम्मत थोड़ी होता है अपनी, यहाँ पर जो है गलत दिखाया गया है, खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है। तो अपनी तो हिम्मत होगी, हिम्मत जो हारेंगे वो अपनी हारेंगे, दूसरे की थोड़ी हारेंगे हिम्मत, ठीक है। इस तरह से भी आप इनको बनाकर देख सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अशुद्ध दिया गया है, आप लोग अपनी रजाइयाँ ले लीजिए, आप लोग अपनी रजाइयाँ ले लीजिए, अपनी की जगह अगर आप अपनी अपनी इस्तेमाल कर देंगे तो ये आपका ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये इस तरह से आपका शुद्ध हो जाता है। इसके बाद आ जाता है जो अशुद्ध दिया गया है, पहले आप लोग अपनी कविताएँ सुनाइए, पहले आप लोग अपनी कविताएँ सुनाइए, अपनी नहीं होगा, अपनी की जगह फिर से यहाँ पर जो है अपनी अपनी आ जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए, कविताएं सुनाइए, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य ये कई बार जो है परीक्षाओं में देखा जाता है, ठीक है। आप जो क्वेश्चन को देखकर ही समझ गए हो, पिछली परीक्षाओं में कई बार देखा भी गया है, मेरा और आपका घोर संबंध है, तो घोर यहाँ पर ये कभी भी जो इस्तेमाल आपका नहीं होगा, घोर की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो हो जाएगा आपका घनिष्ठ, मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, बहुत अच्छे हम दोनों मित्र हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं क्रिया संबंधी, क्रिया संबंधी अशुद्धियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से पूछे जाएंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियों से। अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तो यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, यह क्वेश्चन हो जाता है अशुद्ध वाक्य हो जाता है, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, तो यहाँ पर जो है विद्वतापूर्ण ये आपका गलत लिखा गया है। इसका जो शुद्ध वाक्य है वो क्या बन जाएगा, तो शुद्ध वाक्य इसका बन जाता है यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, एक तो यहाँ पर बन जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है, ठीक है। विद्वतापूर्ण जो है यहाँ पर विद्वतापूर्ण जो वर्ड है ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य दिखाए गए यहाँ पर, राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थे, राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थे, तो थे यहाँ पर जो है पुत्रियों के लिए जो बाद वाला आपका ये आता है फुल स्टॉप, ये आपका जो है पुत्रियाँ के लिए इस्तेमाल होगा, तो पुत्रियाँ थी आ जाएगा यहाँ पर, तो किस तरह से शुद्ध हो जाएगा ये, तो राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थी, ठीक है। तो थे की जगह जो है आपका आ जाएगा यहाँ पर थी, ठीक है। समझ लिया आपने, आपने एक बार पढ़ लेना है, जो चीज़ें आप घर में यूज़ करते हैं, जो चीज़ अपने आस पड़ोस में यूज़ करते हैं, उस तरह से आप इसको सेंटेंस को बना सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि किताब में आपको किस तरह से लिखा गया है या क्या लिखा गया है, ठीक है। आपको बोल कर देख लेना है, पढ़ कर देख लेना है, तो इस तरह जब आप पढ़ेंगे राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थे, तो ये आप कभी भी अपने यहाँ पर भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, ना ही किसी किताब में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। किताब में क्या लिखा हुआ मिलेगा, राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थी, ठीक है। इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर से शुद्ध है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तो विस्मय जो है ये गलत वर्ड यहाँ पर दिखाया गया है, विस्मय यहाँ पर आपका यूज नहीं होगा। शुद्ध वाक्य क्या हो जाता है, तो खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ठीक है। इस तरह से जो है ये यहाँ पर करेक्ट आपका माना जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, अगर आप आर ओ दे रहे हैं, UPPCS दे रहे हैं, या फिर आप उत्तर प्रदेश का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो सभी में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो है इसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर से एक क्वेश्चन है, युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है, युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है, चबाना जो है यहाँ पर गलत लिखा गया है, युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है, यहाँ पर ये आपका शुद्ध माना जाएगा, ठीक है। आपको पढ़ लेना है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। फिर से दिखाया गया है यहाँ, अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, उपस्थित नहीं होता है,
ठीक है, उपस्थित यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ जो है अशोभनीय वातावरण है, ठीक है। उपस्थित तब होता है जब जो है हम कहीं से कोई चीज़ आती है या फिर हम कहीं जाते हैं तो हम वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो वातावरण कहीं पर उपस्थित नहीं होता है, वातावरण जो है वहीं रहता है अपनी एक जगह पर, ठीक है। उपस्थित जब होंगे जब हम दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होंगे कहीं पर, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यह जो है शोभनीय अशोभनीय वातावरण है। उसने मेरा गाना और घर देखा, उसने मेरा गाना और घर देखा। तो गाना देखा नहीं जाता है, गाना सुना जाता है, तो यहाँ पर ये जो गाना है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा इसका, तो उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, ठीक है। इस तरह से आप इसको यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वाक्य, वह कमीज डालकर सो गया। वह कमीज डालकर, कमीज डाली नहीं जाती है, कमीज पहनी जाती है, ठीक है, सभी जानते हैं कमीज पहनी जाती है। तो शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा, तो वह कमीज पहनकर सो गया, ठीक है। इस तरह से जो है आपका इस शुद्ध वाक्य यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो कमीज डाली नहीं जाती, कमीज जो है पहनी जाती है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। इसके बाद एक और अशुद्ध वाक्य आपको यहाँ दिखाया गया है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक और यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिखाया गया है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ क्यों गलत दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो होगा मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। इस तरह से शुद्ध सेंटेंस आपका यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप पर जो है अपने ऊपर डालकर देख लेनी है, यानी अपने आप से पढ़कर देखेंगे हम घर में किस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, उस तरह से आप इसको जल्दी से पकड़ सकते हैं। अगला दिखाया गया हमारा, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों। शिक्षा ली नहीं जाती है, शिक्षा जो है पाई जाती है। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, तो शिक्षा जो है पाने में कंजूसी क्यों, शिक्षा पाने में आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं। इसको आप आराम से पढ़ें, पूरी वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ने में आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद वह गालियाँ निकालता है, तो गालियाँ निकाली नहीं जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, या फिर गालियाँ जो है बकी जाती हैं। ये जो है गलत भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गालियाँ जो है बकता है, ठीक है, इस तरह से आप इसको कहेंगे, वह गालियाँ बकता है, ठीक है। गालियाँ निकाली नहीं जाती है, बकी जाती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा, तुम्हें देखनी चाहिए थी, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। क्या आप ऐसे ही बोलते हैं घर में, नहीं, गलत हो जाएगा। हम बोलते हैं अपने घर में, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, या तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था, मैं आ जाता वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो शुद्ध बनेगा ये आपका बन जाएगा। अब कुछ जो है इम्पोर्टेंट है, कर्ता कारक जो संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। आरओ में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वाक्य शुद्ध के, और वो इसी तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें सभी तरह के होते हैं, कर्ताकारक संबंधी, विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी, सभी तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ जो है कर्ताकारक संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो किस तरह से होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो अशुद्ध वाक्य हो जाता है, मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है। क्या आप अपने घर में इसी तरह से बोलते हैं, क्या आप अपने आस पड़ोस में इसी तरह का वातावरण रखते हैं, मैंने क्या करना है, ठीक है। ये कहीं की भाषा है, लेकिन ऐसे नहीं बोला जाएगा। इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बन जाएगा, मुझे क्या करना है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएगा। आपको अगर ये चीज़ें देखनी है तो आपको केवल सटीक भाषा का अगर आपको प्रयोग करना है तो आपको शुद्ध हिंदी अगर आपको पढ़नी है तो आपको अखबार वाली भाषा जो है पढ़नी है। अखबार वाली भाषा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अखबार वाली जो भाषा है वो ही सभी चीज़ों में आपकी यूज होती है, ठीक है। तो अखबार में क्या लिखा जाता है, तो मुझे क्या करना है, ठीक है, मैंने क्या करना है, ये अखबार में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अशुद्ध वाक्य हो जाता है दानादार चाय, तो दानादार नहीं होगी, ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी दानेदार चाय, ठीक है, बड़ी स्वादिष्ट होगी दानेदार चाय। इसके बाद हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मतलब ऐसे कौन बोलता है भाई, ऐसे बोला जाएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, ठीक है, ये आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध वाक्य फिर से दिया गया, ठेले वाले से सब्जी खरीदी, ठेला वाले से, यहाँ गलत दिखाया गया, ठेला वाला नहीं होता, ठेले वाले होते हैं, ठीक है, ठेले यूज हो गया पर। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, ठेले वाले से सब्जियाँ खरीदी, सब्जी खरीदी, सब्जी का मतलब सब्जियाँ जो हैं, ये आपका आपको जो है बहुवचन में इस्तेमाल करना होगा, तो सब्जियाँ खरीदी, ठेले वाले से एक सब्जी नहीं खरीदी जाती, काफ़ी सारी सब्जियाँ जो है ले ली जाती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ठेले वाले से सब्जियाँ खरीद सकते हैं। अगला हो जाता है यहाँ पर कर्म कारक संबंधी जो आपकी अशुद्धियाँ हो जाती हैं वो देख लेते हैं, कर्म कारक से संबंधित। तो इस पाठ को पढ़ो,
इस पार्ट को पढ़ो, ठीक है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य बनेगा तो ये बन जाता है आपका, यह पाठ पढ़ो। यहाँ पर जो है कर्म संबंधी, कर्म कारक संबंधी जो है अशुद्धि देखने को आपको मिल जाएगी। अगला हो जाता है तुमको इस पाठ को पढ़ना है। तुमको जो है कहीं भी यूज नहीं होता है। क्या अखबार में आपको यहाँ पर तुमको वर्ड देखने को मिलेगा कहीं? अखबार की जो भाषा है वो बिल्कुल आपको यहाँ से मैच कर लेनी है, ठीक है, या फिर अपने घर की भाषा यहाँ पर मैच कर लेनी है। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। इस तरह से आपका यहाँ पर ये शुद्ध बन जाएगा। इसके बाद मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना है। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना है, तो मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अशुद्ध क्या दिखाएगा? मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। शुद्ध वाक्य हो जाता है मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो पुस्तकें जो हैं ये आपका स्त्रीलिंग हो जाता है, पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है तो वो गलत हो जाएगा वहाँ पर। उसको तो समझ में आता नहीं, ठीक है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बन जाएगा उसे तो समझ में आता नहीं, ठीक है, इस तरह से शुद्ध बनेगा। इसके बाद वह रोज ऑफिस को जाता है, ऑफिस को नहीं जाता है, ये गलत हो जाएगा। ऑफिस जाता है, हम रोज ऑफिस जाते हैं, वह भी रोज ऑफिस जाता है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बन जाएगा वह रोज ऑफिस जाता है, ठीक है, इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। बस के साथ कौन यात्रा करता है, ठीक है, तो बस से यात्रा करते हैं, वह बस से यात्रा कर रहा है, ठीक है। करण का होता है के से के द्वारा, ये हो जाती है इसका करण कारक, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य जो है बस के द्वारा जो है वो यहाँ पर यात्रा कर रहा है। फिर से अशुद्ध है बिहारी सतसई की हद से लिखित प्रति सुरक्षित है। बिहारी सतसई की जो हद से लिखित को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है यहाँ पर हस्तलिखित। बिहारी सतसई की हस्तलिखित प्रति अभी भी सुरक्षित है, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हो जाएगा जो संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक जो अशुद्धि है वो भी देख लेते हैं। कारकों के बारे में आपने सबने पढ़ रखा है, कारक आप सभी जानते हैं। अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे, सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, सहेली के लिए उपहार दिया, तो सहेली के लिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। शुद्ध क्या बनेगा? तो सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, इस तरह से आपका यहाँ पर ये करेक्ट बन जाएगा। फिर से अशुद्ध वाक्य आपका हो जाता है पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। पंडित जी थे, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो है भक्तों के लिए कथा सुनाई, तो भक्तों के लिए कथा यहाँ पर गलत हो जाएगा, भक्तों को कथा सुनाई, ठीक है। भक्तों के लिए सुनाई तो किसी और को सुनाई होगी, भक्तों को तो सुनाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भक्तों को सुनाई तो डायरेक्ट सुनानी पड़ेगी, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, डायरेक्ट सुनाई है, ठीक है। अगर भक्तों के लिए सुनाई तो किसी और को सुनाई है। अब यहाँ पर अपादान कारक आ जाता है। सभी जो है यहाँ पर सभी तरह के जो है अशुद्धियाँ दी गई हैं, इनको आपको सबको देख लेना है एक बार। ये सारे जो हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इनके हम जो है क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो सारे आपको क्वेश्चन भी देख लेना है, ये भी देख लेना है। अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा, ठीक है। तो ये गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो इसलिए बनेगा, उन सभी में से मैं पहले पहुंचा। उन सभी की बात हो रही है, उन सभी में से मैं पहले पहुंचा, ठीक है। इसके बाद जो अशुद्ध बन जाएगा, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। शहर का कपड़ा नहीं होता है, शहर से कपड़ा होता है, ठीक है। शुद्ध वाक्य बन जाएगा आपका, शहर से कपड़े लाकर बेचता है। इसके बाद आ जाता जो संबंध कारक है, तो अशुद्ध बन जाता है यहाँ पर, तुमका यहाँ क्या काम है, मतलब ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो शुद्ध क्या बनेगा? तुम्हारा यहाँ क्या काम है, यहाँ पर आपका जो है इस तरह से शुद्ध हो जाएगा। यह पानी का कुआ कैसे सूख गया, जो होता है वो पानी का ही होता है, कोई बिना पानी का कुआ नहीं होता है, ठीक है। और जो सूखेगा तो उसमें पानी जो है ख़त्म हो जाएगा, तब वो जो है वहाँ पर सूख जाएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? तो शुद्ध बन जाएगा यह कुआ कैसे सूख गया, ठीक है। कुआ जो है पानी का ही होता है, कुआ जो है सूख जाता है, ठीक है। शुद्ध वाक्य आपने देख लिया, यह कुआ कैसे सूख गया। अशुद्ध वाक्य अपना पराय की भावना, ये अपना पराय की भावना, अपना पराया या फिर अपने पराय की भावना, ठीक है। तो शुद्ध जो बनेगा वो बनेगा अपने पराय की भावना होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर हो जाता है जो आपका अशुद्ध दिया गया है, यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आया। विदेश का जो आदमी है यहाँ पर कैसे आया, ये आपको देख लेना है। विदेश का आदमी यहाँ पर कैसे आया, तो इसका जो शुद्ध बनेगा, विदेश का आदमी यहाँ पर गलत दिखाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विदेशी आ जाएगा विदेश के आदमी के लिए।
तो शुद्ध बन जाएगा यह विदेशी यहाँ पर कैसे आया। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। राधा और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, राधा का और कृष्ण का, तो राधा का यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही बन जाएगा वो बन जाएगा राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, राधा और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य हो जाता है अपने यहाँ कोई जानकार नहीं है, अपने का यहाँ, अपने का, ठीक है, गलत हो गया, मेरे यहाँ का कोई भी जानकार नहीं, ये आप पर आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसके बाद जो अधिकरण संबंधी शुद्धियाँ हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अधिकरण संबंधी अशुद्धियाँ क्या हो जाएंगी, तो अधिकरण से संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो भी हम देख लेते हैं। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। ठीक है, तो गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका जो शुद्ध बनेगा वो बन जाता है लड़का शहर से अपने गांव चला गया, अपने गांव में नहीं जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, अपने गांव में चला गया, तो अपने गांव चला गया, अपने आप ही चला जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य यहाँ पर दिखाया गया है, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए। कुत्ते जो हैं पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव में चले गए, गांव में चले गए। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। सारे आपको देख लेने हैं, इसी तरह से जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे आपकी परीक्षा में। अशुद्ध वाक्य है 12:10 है, 12:10 कभी नहीं होती है, 12:10 होती है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा आपका। आज बजट के ऊपर बहस हुई, तो बजट के ऊपर कभी भी बहस नहीं होती है, बजट पर बहस होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, इनको आपको पकड़ लेना है। हमने मिलकर इस पर विचार किया जाएगा, इसको विचार यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध क्या बनेगा, तो हमने मिलकर इस पर विचार किया। फिर से पूछा गया है कुएं में कौन पानी भर रहा है, कुएं में कभी पानी नहीं भरा जाएगा, तो शुद्ध क्या बनेगा, कुएं पर से पानी भरा जाता है ऊपर से। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है वह घर ही था पर मिलने नहीं आया। अगर शुद्ध की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वह घर में ही था पर मिलने नहीं आया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये शुद्ध हो जाएगा। बाल्टी के अंदर पानी है, तो बाल्टी के अंदर ही पानी होता है हमेशा, बाल्टी के बाहर पानी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो शुद्ध क्या बनेगा, तो बाल्टी में पानी है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका शुद्ध बन जाएगा। ठीक है, तो बाल्टी क्या होती है, ये पानी भरने की ही एक जगह होती है। शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य फिर से पूछा गया, इत्र के भीतर सुगंध है, इत्र के भीतर कभी सुगंध नहीं होती, इत्र में सुगंध होती है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं, शुद्ध क्या बनेगा, तो इत्र में सुगंध है। उसे शक मत करो या उस पर शक मत करो। ठीक है, यहाँ सही जो हो जाएगा, जो करेक्ट माना जाएगा वो माना जाएगा उस पर शक मत करो। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर अशुद्ध वाक्य, खेत पर क्या बोया है, ये आपको बताना है, खेत पर यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो खेत में क्या बोया है। ठीक है, शुद्ध वाक्य बनेगा खेत में क्या बोया है। अब यहाँ पर जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण की विभक्ति के रूपों की जो अशुद्धियाँ हैं उनसे क्यों गलत होते हैं क्वेश्चन, वो भी हम देख लेते हैं। तो अशुद्ध वाक्य की बात करेंगे, बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, बिना अच्छा यहाँ पर गलत दिखा गया, अच्छा नहीं होता, अच्छे वेतन के, वेतन जो है वो अच्छा होता है, लेकिन शुद्ध वाक्य जो बनेगा वो बनेगा बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप यहाँ पर पढ़कर इसको आप लगा सकते हैं। भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, भारत के भूगोल की या भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, तो भारत का भूगोल हो जाता है, भारत के भूगोल यहाँ पर ये गलत दिखाया गया है। तुम सबने मिलकर मामला बिगाड़ दिया। ठीक है, वरना कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, तुम सबने मामला बिगाड़ दिया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर शुद्ध बन जाएगा। अपने ऊपर को जो है आपको क्वेश्चन ही करके देखने हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इसी तरह के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले अपने आसपास के माहौल में, अखबार में या फिर अपने घर में बोले जाने वाली भाषा को बिल्कुल शुद्ध रूप में बोलना होगा, और उसी तरह से जो ये क्वेश्चन आपके बोले जाते हैं।
यहाँ पर दिखाया गया है लिंग संबंधी जो अशुद्धि होती है, तो अशुद्ध हो जाएगा बेटी पराए घर का धन होती है, तो पराए घर का नहीं होता, पराया धन हो जाएगा, पराए घर गलत दिखाया गया है। बेटी क्या होती है? बेटी पराया धन होती है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, आजकल ऐसा नहीं है। ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, तो ये भी गलत हो। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा इसका? तो शुद्ध बन जाता है, ताजमहल का जो सौंदर्य है वो अनुपम है, जो ताजमहल है उसका जो सौंदर्य है वो अनुपम हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध बन जाएगा। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अशुद्ध वाक्य दिया गया है, दिखाया गया है हमारी प्रदेश की जनता शांत है, तो हमारी प्रदेश कहाँ होता है भाई? हमारा प्रदेश होता है या फिर हमारे प्रदेश होता है, तो सही जो हो जाएगा हमारे प्रदेश की जो जनता है वो अभी शांत है, वक्त आने पर जो है वो बता देती है कि वो क्या जनता है। वचन संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं वो किस तरह की हो जाती हैं वो भी देख लेते हैं। वचन संबंधी अशुद्धि, अशुद्ध वाक्य सबसे पहले हो जाएगा मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, ऐसे कोई नहीं बोलता मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, तो मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं, बजा नहीं होता, बजे होता है, ठीक है। क्या यूज होता है? मेरी घड़ी में 3 बजे हैं, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? तो आपकी में 5 बजे हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, आंसू बहता नहीं है, आंसू बहते हैं, ठीक है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ठीक है। इस तरह से जो है आप यहाँ पर सही इसको कर सकते हैं। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, हमारा जो संपर्क है अनेकों व्यक्ति नहीं होता, अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, ठीक है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। अपने आप जो है बोलकर आप इसको कर सकते हैं। सेंटेंस जो है कभी भी ये इतने हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, बड़े ही ईजी होते हैं। अगर आपने इसको पढ़ लिया एक बार तो आप जो है जीवन भर इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों गलत नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे जो हमारा जीवन है उसमें कई बार हम इनको अपने लाइफ में जो है इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। मैंने गुरु का दर्शन किया, क्या कभी आपने इस तरह का वर्ड बोला कि मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने अपने गुरु जी का दर्शन किया? ऐसे नहीं बोला जाता है, मैंने अपने गुरु जी के दर्शन किए हैं, ठीक है, मैं अपने गुरु जी की काफ़ी इज्जत करता हूँ और मैं उनके दर्शन करता हूँ। वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित थे, वहाँ पर जो है सब श्रेणी के लोग या फिर सब श्रेणियों के लोग, सब श्रेणी नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा सब श्रेणी, वहाँ पर जो है सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित थे, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब जो सामान्य वाक्य हैं उनकी जो अशुद्धियाँ हैं वो किस तरह से होती हैं वो भी देख लेते हैं। मेरे घर में केवल एकमात्र चारपाई है, केवल एकमात्र यहाँ पर जो है गलत दिखाया गया है, या तो केवल यूज होगा या फिर मात्र यूज होगा, एक वर्ड जो है यहाँ पर यूज होगा, तो इस शुद्ध क्या बनेगा? शुद्ध बन जाएगा मेरे घर में केवल एक चारपाई है, ठीक है, तो मात्र और केवल जो में से एक जो है आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। सहप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो सहप्रमाण ये नहीं होता है, सहप्रमाण सहित उत्तर नहीं होता है, तो आपको क्या है प्रमाण सहित, यानी उसकी जो आपको उसकी जो ऑथेंटिकता बतानी है उसके सहित आपको जो है उत्तर देना है, झूठ मूठ आपको जो है बिल्कुल भी नहीं बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थी, तो जीवंत जो कवि थी, तो कवि थोड़ी थी, वो थी कवित्री, ठीक है, ये फीमेल हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवित्री थी, ठीक है, तो सुभद्रा कुमार चौहान जो है वो जीवंत कवित्री थी, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाएगा, ये तो आप जो है देखकर भी इसको बता सकते हैं। तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो बन जाता है तब शायद यह काम हो जाए या फिर तब यह काम अवश्य हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप इसको करेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, उसकी जो सौंदर्यता है वो कभी कम ना होगी, तो सौंदर्यता यहाँ पर गलत लिखा गया है, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा या उसकी सुंदरता कभी कम ना होगी, इस तरह से आप इसको यहाँ पर बना सकते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन सा उनमें से सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में पहला ये भी दिखाया जा सकता है और या के बाद वाला भी दिखाया जा सकता है। इतनी आलस्यता ठीक नहीं, तो आलस्यता ये गलत हो जाएगा, आलस्यता की जगह यूज होगा हमारा आलस्य, इतना आलस्य जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा जो है पढ़ाई लिखाई पर भी अपना ध्यान दो, ज़्यादा आलस्य आपको करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। यह महिला बड़ी विद्वान है, अशुद्ध की बात करेंगे, यह महिला बड़ी विद्वान है, तो विद्वान महिला कभी नहीं होती, महिला होती है विदुषी, ठीक है, ये कई बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? यह महिला बड़ी विदुषी है, एक बार पूछा गया आपसे वह बालक जन्मते ही मर गया, तो जन्मते ये वर्ड जो है कहीं यूज नहीं होता है, जन्म लेते ही मर गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, वह बालक था हुआ था और जन्म लेते ही जो है वो मर गया।
अशुद्ध है मुझे मेला में जाना, मुझे मेला में जाना है, तो मेला में जाना नहीं होता, मुझे मेला जाना है, ठीक है, मुझे मेला जाना है या फिर मेले में जाना है, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, मुझे जो है मेले में जाना है, मेला वर्ड जो है वो यूज नहीं होगा। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, शुद्ध वाक्य बन जाएगा मुझे मेला जाना है या फिर मुझे मेले में जाना है। अशुद्ध वाक्य है देशभक्त जो है बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते, तो याद है दिखाएगा देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, तो बड़ी बड़ी यातनाएं जो है वो बड़ी ही होती हैं अपने आप में, तो देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, ठीक है, शुद्ध वाक्य बन जाएगा आपका यहाँ से। इसके बाद आपका हो जाता है इस विषय में मेरे विचार में प्रकट कर चुका हूँ, इस विषय में मेरे विचार मैं प्रकट कर चुका हूँ, तो ये मेरे जो है गलत हो जाएगा, इस विषय में मैं अपने विचार या फिर मैं पहले अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ, ठीक है, तो शुद्ध क्या बन जाएगा, इस विषय में अपने विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ, यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज आपने यहाँ समझे हैं जो भी आपकी शुद्ध वाक्य होते हैं, किस किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं शुद्ध वाक्य, तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के बड़े अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।